हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और फिलहाल लमसम समझने के लिए, सामने जो व्हीकल है ये आई क्यूब एस है। इसका अभी राइड परफॉर्मेंस और एक रेंज टेस्ट इस वीडियो में मैं थ्रू आउट आपको क्लियरेंस हल्का हल्का करके बताऊंगा। बट एक लमसम समझने के लिए, कुछ व्हीकल का रुख ग्रे कलर में ऐसा दिखता है। इसके अलावा अगर आप दूसरा कलर फॉर्मेशन भी पसंद करते हैं तो जो आई क्यूब बेस है उसमें से भी आप कवर कर सकते हैं। फिलहाल जो ये ग्लेंस आप देख रहे हैं रेलवे सेटअप के थोड़ा सा जस्ट बगल में, और प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरे सिटी में अप्रॉक्सीमेशन ये 1,40,000-40,000 ऑन रोड प्राइस में ये मिलती है। और इसके बाद एसटी वेरिएंट आएगा, ये भी एक पॉपुलर आपके लिए साबित होगा, तो वो भी आप शोरूम से आके पता करवा सकते हैं। फिर जैसे लमसम मैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन एलिमेंट से शुरुआत करता हूँ। तो एक गज़ब का फॉर्मेशन जो है रिफ्लेक्टर के साथ एलईडी आपको सामने देखने मिलता है, जिसमें एक अट्रैक्शन मुझे बेहतर इसका इंडिकेटर सेटअप लगता है, वो मैं हल्का सा आपको जला के दिखा देता हूँ। तो व्हीकल को जैसे आप ऑन करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन का सेटअप है वो कुछ इस प्रकार से है। और फिलहाल अगर धूप को कवर करें तो बादल और बदरी के साथ कुछ इतना है, तो अभी ये इतना अट्रैक्शन दिख रहा है, तो डेफिनेटली जब शाम होगा तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और दूसरे साइड का भी सेम सेटअप आपको मिल जाएगा देखने। वहीं पर पीछे अगर आप देखेंगे तो जैसे थ्री स्टेप में इंडिकेटर का फॉर्मेशन है वो भी एज इट इज़ इसमें दिया हुआ है। डिफरेंस बस उसका ये हो जाता है कि थोड़ा सा वो आपको साइड में उभरा हुआ लगेगा, और ये पैटर्न भी आपको मिलेगा ये पीछे, ये रहा रिफ्लेक्टर का। डिज़ाइन एलिमेंट को जैसे कवर कर रहे हैं तो मैं आपको सामने का भी पार्ट बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा भी गंदा है, बट ये आपको एक ब्लैक फिनिश में मिलता है, जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जिसे ग्रे कलर के बॉडी के साथ देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्लैक है, जिसमें सेंटर में TVS लिखा हुआ है। और ये अगर आप क्लोज से नोटिस करेंगे तो ये क्रोम टच में दिया हुआ है। जो सामने का LED फॉर्मेशन है उसमें अगर कोई लिखे शब्दों को अगर आप टैली करें तो LED टेक के इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है। मडगार्ड सिंगल कलर फॉर्मेशन पे मिलता है, ये आपको ड्यूअल कलर में नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे ये सेटअप देखेंगे तो ये ब्लैक और बॉडी कलर में है, ये भी ब्लैक और बॉडी कलर में, पर नीचे आपको सिंगल मिलता है। वहीं पर साइड का लुक अगर आप टैली करें तो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें अगर व्हीकल को आप मैनेज करें कि कौन सी व्हीकल क्या है, तो आई क्यूब एस जो है उसमें ये सेटअप थोड़ा आपको बढ़ा हुआ मिलता है, और यहाँ पर स्टिकर आपको मिल जाएंगे एस के, और वही चीज़ बेस में ये दोनों आउटर ग्लेंस में मिसिंग है। स्पेशली उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं और डिफरेंट आते हैं, उसमें से एक यूनानिमस जो कलर है वो वाइट भी थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और पीछे से लुक आप देख रहे होंगे तो इस व्हीकल का ऐसा। अब आते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ जो है डिस्प्ले फॉर्मेट। तो डिस्प्ले फॉर्मेट को जैसे मैं शुरुआत करूं तो 7 इंच की एक गज़ब डिस्प्ले फॉर्मेट यहां से शुरू हो जाती है। और सबसे पहले आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, प्लीज़ रिट्रैक्ट दी साइड स्टैंड वाले इन्फॉर्मेशन बता देता है। फिर जैसे साइड स्टैंड में हटाऊंगा तो यहां पर DTE दैट इज़ डिस्टेंस टू MT वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, और यहां पर 92% दिया हुआ है, जिसकी शुरुआत हम लोग 100% से किए थे। और फिर जैसे डिस्प्ले यूनिट को मैं कवरिंग अप करूँ तो ये वाला फॉर्मेशन रहेगा, जिसमें आपको ऑप्शन भी दे रहा है। जैसे आप शुरुआत पहलू पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो लेफ्ट साइड के आपको ब्रेक ऑप्शन दबाना है और यहाँ पर जो मोड है उसे क्लिक करना है, जैसे मैं अभी करके बता रहा हूँ। तो जैसे आप इस चीज़ को दबाते हैं तो सामने डिस्प्ले फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब डिस्प्ले फॉर्मेट ही पूरे इस आईक्यूब एस का मेन खेल है, क्योंकि जो 7 इंच का डिस्प्ले है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डे मोड और नाइट मोड में रखा हुआ है उसमें ये जो डिस्प्ले का कलर है, साथ ही साथ जितना भी दबा हुआ अक्षरों का फ़र्क वो सब इसमें दिखा देता है। तो फिलहाल व्हीकल इको मोड में सेट है, 92% जैसे शुरुआत में दिखा रहा था, और ट्रिप सेट हुआ था 7.5 किलोमीटर पे। ओडो आप सेट कर सकते हैं, और एवरेज स्पीड जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो एक ग्लेंस में जैसे चलता हुआ दिखा देगा। सबसे ऊपर में आपको कितना बज रहा है वो, और तारीख जैसे 5 जुलाई 2022 है, वो जानकारी बता देगा। और इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन भी है, तो ब्लूटूथ मैसेज कॉल और बाकी बैटरी ऑप्शन भी इसमें देता है। फिर अगर मैं इसको यहाँ दबाता हूँ बटन जो कि मोड चेंज करने का है, तो ये पावर मोड में एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे पावर मोड में एक्टिव करते हैं तो वही चीज़ें पूरी रहेंगी, बट यहाँ पर अब पावर मोड और कितने किलोमीटर्स पे गाड़ी चल रही है वो बताएगा। और दूसरा एक मेजर चेंजेस हो जाता है कि काफ़ी गज़ब आपको पावर देगा,
तो यहाँ पर डी टी ई अब 53 किलोमीटर्स हो गए। जिसको भी चेंज आप एक प्रॉपर मेनू ऑप्शन के साथ कर सकते हैं, तो एक 5 प्रेस बटन वाले में 5 एरिया स्पेसिफिकेशन में जॉइस टिक दिया हुआ है, जिसके आप टचिंग करके मेन्यू, जनरल सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर माय व्हीकल का इन्फॉर्मेशन, प्रिवेसी प्रोफाइल वगैरह सब की जानकारी बता देगा, जिसमें अगर आप प्रिवेसी कनेक्टिविटी देख रहे होंगे तो इनकॉग्निटो मोड वगैरह चीज़ है। इसी में आप जो डॉक्यूमेंट भी स्टोर करके आगे फर्दर पर्पस के लिए अगर आप कभी चेकिंग में जाते हैं तो भी दिखा सकते हैं, तो डिजिटल डॉक्यूमेंट वाले फॉर्मेशन भी आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। फिर जैसे इसमें जो भी प्रोसेस है, जैसे मैं यहाँ एंट्री करता हूँ जनरल सेटिंग में, तो यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग, साउंड वगैरह इन्फॉर्मेशन है। और जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि ये थोड़ा सा हाईलाइट लग रहा था, तो एक रहता है मैनुअल और एक रहता है अडैप्टिव। तो जैसे अडैप्टिव मतलब जो भी मौसम के अनुसार वो चेंज हो जाएगा, और जैसे मैनुअल में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो मैनुअल में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट दिया है। तो जैसे मैं इसे ऊपर करते जाऊँगा तो ये बढ़ते जाएगा और वहाँ पर वो कम होते जाएगा। तो बहुत सारे फंक्शंस मुझे सटीक लगे इस व्हीकल के, स्पेशली 7 इंच। अब देखिए जो ST वेरिएंट आएगा इसमें टच स्क्रीन रहेगा, तो वो आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा वो बताइएगा। साथ ही साथ मैं इसके कीज़ भी दिखा देता हूँ। तो कीज़ आपको जो मेन iQube है वो फॉर्मेट पे टच कुछ इस प्रकार से मिलता है, और यहाँ पर TVS कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के चाबी मिलते हैं। तो ये था एक लमसम फॉर्मेशन, और इसके पहले आप राइड रिव्यू भी देख चुके होंगे, तो एक ओवरऑल कंप्लीशन मैं बता रहा हूँ कि कितना हो। रेंज टेस्ट अभी फ़िलहाल हाफ चला हुआ है, और कंप्लीशन जैसे होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं डालूँगा उसमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल हाफ रेंज टेस्ट और टेस्ट राइड और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है उसका इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देख लीजिए।